देश की नई संसद में पीएम मोदी चोल साम्राज्य के प्रतीक सेंगोल को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ये चोल साम्राज्य पूरी तरह से ब्राह्मणवादी था, जहां जात पात को कड़े तरीके से लागू किया जाता था और ब्राह्मणों की मौज थी। ये बात कहने पर मशहूर फिल्म मेकर पा रंजीत पर केस तक दर्ज हो गया था, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा था। 5 जून 2019 को फिल्म मेकर पा रंजीत तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा था कि चोल साम्राज्य असल में ब्राह्मणवादी साम्राज्य था। पारंजीत ने कहा था, चोल सम्राट राजा ने जाति व्यवस्था की शुरुआत की थी। चोल साम्राज्य में लोगों की जमीनें छीन ली गई और लोग भूमिहीन हो गए। चोलों ने ही देवदासी कुप्रथा की शुरुआत की थी। चोल साम्राज्य इतिहास का अंधकारमय अध्याय है। पारंजीत के इस भाषण पर तमिलनाडु पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ 2 समुदायों में नफरत भड़काने और शांति व्यवस्था खराब करने के आरोप में FIR दर्ज की थी। इस FIR के खिलाफ पारंजीत मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच पहुंचे थे, जहां हाईकोर्ट ने संविधान में मिली अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए कहा था कि पारंजीत के भाषण से ना ही कानून व्यवस्था खराब हुई है और ना ही समुदायों के बीच नफरत भड़की है, इसलिए FIR को रद्द किया जाता है। पार रंजीत जिस चोल साम्राज्य के अंधकार में युग की बात कर रहे थे, उसी चोल साम्राज्य में पावर ट्रांसफर के लिए राजदंड या फिर सेंगोल का इस्तेमाल किया जाता था। अब यही राजदंड सेंगोल पीएम मोदी देश की नई संसद में लगा रहे हैं। लोकतंत्र के ऊपर राजतंत्र के प्रतीक हावी हो रहे हैं। इसलिए आप सबको ये जानना चाहिए कि जिस चोल साम्राज्य के सेंगोल को पीएम मोदी लगा रहे हैं, वो चोल साम्राज्य आखिर कैसा था। इस बारे में मशहूर विचारक सिद्धार्थ रामू अपनी फेसबुक पोस्ट में विस्तार से लिखते हैं। वो लिखते हैं, कहां से आया सेंगोल? चोल साम्राज्य ब्राह्मणवादी हिंदू राज्य था, जिसमें ब्राह्मण और वेद की सर्वश्रेष्ठता स्थापित थी। चोल साम्राज्य ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक दक्षिण भारत के सबसे बड़े हिस्से पर राज्य किया। इस राज्य में ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ था। चोल राजाओं का गुरु उत्तर भारत विशेषकर काशी का ब्राह्मण होता था। इस राज में ब्राह्मण यदि राजा की हत्या कर दे तो भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। कुछ ब्राह्मणों ने राजा उत्तम चोल की हत्या कर दी थी, लेकिन उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सका था, क्योंकि हत्यारे ब्राह्मण थे। चोल राज्य में ब्रह्मदेव गांव थे, जहां सिर्फ ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था। वे राजा के आदेश का भी उल्लंघन कर सकते थे। चोल साम्राज्य में गांवों को बसाने के लिए ब्राह्मणों को जमीनें दी जाती थी। ब्राह्मण उन गांवों के सर्वे सर्वा होते थे। चोल साम्राज्य में भारत में सबसे अधिक मंदिर बनवाए गए। इन मंदिरों को बड़े पैमाने पर कृषि भूमि दी गई, जिसमें लगान वसूला जाता था। मंदिर और जमीन दोनों के सर्वे सर्वा ब्राह्मण ही होते थे। चोल राजाओं ने अपने शिलापट्टों और स्तंभों पर वेद मंत्रों को उकरवाया था, उत्कीर्ण कराया था। चोल राजा शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने तंजूर में भव्य मंदिर बनाकर शिवलिंग स्थापित किया था। तंजूर के मंदिर के लिए उन्होंने धन प्राप्ति और शिवलिंग को प्राप्त करने के लिए राजा राम चोल ने जो चालुक्य राजा थे उन पर भी हमला बोल दिया था। पूरे देश में विशेषकर दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय एक समय ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का मुख्य धर्म रहा है। RSS के प्रचारक और स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी इस ब्राह्मणवादी हिंदू राज्य से अपना नाता कायम करना चाहते हैं। यही उनकी वैचारिकी के भी अनुकूल है, क्योंकि इसका नाता वेद और ब्राह्मणों से है। अशोक स्तंभ और सम्राट अशोक के जो चक्र हैं उनके वैचारिकी है, विरासत है, और जो हिंदू राष्ट्र की परियोजना है वो उनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक समता न्याय बंधुता की बात करते हैं। क्योंकि इसका नाता तथागत बुद्ध से है, इसलिए ये वैचारिकी अशोक स्तंभ की वैचारिकी नरेंद्र मोदी के अनुकूल नहीं है, वो इसमें फिट नहीं बैठ रहे, इसलिए वो चोल राजाओं के ब्राह्मणवादी प्रतीकों की तरफ जा रहे हैं। सिद्धार्थ रामू ने सोर्स के लिए प्रसार भारती की ओर से तैयार किए गए भारत एक खोज सीरीज के एपिसोड 22 और 23 को देखने की सलाह दी है। इन एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों का ही सबसे ज़्यादा धमक थी, सबसे ज़्यादा उनकी चलती थी। राजा की हत्या करने के बाद भी उन पर कोई सजा नहीं दी जा सकती थी। यानी कुल मिलाकर चोल साम्राज्य वैसा ही राज था जैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कट्टर हिंदू करते हैं, मनुस्मृति के राज की कल्पना करते हैं, वो वैसा ही राज था, जहाँ जन्म के आधार पर ही सारे वर्ण जातियां निर्धारित थी और उसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते थे। शायद यही वो वजह है कि पीएम मोदी अशोक स्तंभ की जगह सेंगोल को स्थापित करने जा रहे हैं। संविधान के साए में बनी संसद में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की जगह क्रूर राजनीतिक राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल को स्थापित करना हमारे राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। ये संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।